नमस्कार दोस्तों, सिंह होम्यो लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के धात के बारे में, यानी कि प्रदर रोग के बारे में। दोस्तों, महिलाओं के गर्भाशय के अंदर से, उसके पर्दों से और गर्भाशय के मुंह से कई रंगों जैसे सफ़ेद, पीला, नीला, दूध की तरह, मांस धोया हुआ पानी जैसा स्राव निकलता है। यह स्राव किन्हीं में गाढ़ा और किन्हीं में पतला हो सकता है। चूँकि ज़्यादातर स्राव सफ़ेद रंग के होते हैं, इस कारण इसे श्वेत प्रदर भी कहा जाता है। दोस्तों, गले की गांठ वाली औरतें, लड़कियों और कभी कभी छोटी बच्चियों को भी यह रोग हो जाता है। दोस्तों, या तो लापरवाही या अज्ञानता या समय पर चिकित्सा ना करा पाने की वजह से स्राव बढ़ता जाता है और वह बिल्कुल पीप की तरह निकलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस रोग में सिर में दर्द शुरू हो जाता है, चेहरा पीला हो जाता है, कब्ज होता है, गैस की समस्या भी होती है। दोस्तों, इस रोग के बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से यह रोग होता है, जैसे मासिक में ज़्यादा खून आना, बार बार गर्भपात होना, खराब स्वास्थ्य होना, कब्ज रहना, गैस रहना इत्यादि। दोस्तों, इस रोग को ठीक करने के लिए कुछ सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है, जैसे रोज़ रोज़ नहाना चाहिए, जननेंद्रियों को साफ पानी से 2 से 3 बार रोज़ धोना चाहिए। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हों वो कृपया पानी से जननेंद्रियों को ना धोएं। ठंडी हवाओं में उन्हें घूमना चाहिए। दोस्तों, 3 होम्योपैथिक दवाई अगर 3 से 4 महीने लगातार सेवन किया जाए तो इस रोग से मुक्त आसानी से हुआ जा सकता है। दोस्तों, आइए होम्योपैथी की 3 दवाइयों का नाम आप नोट कर लीजिए। पहली दवा का नाम है एलोमिना 30। एलोमिना 30 को सुबह में 2 बूंद, दोपहर में 2 बूंद, शाम में 2 बूंद और रात में 2 बूंद आधा चम्मच पानी में डालकर पीना है। दवाई नंबर 2, बोरेक्स 6। जी हाँ, बोरेक्स 6 पावर, 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को आधा चम्मच पानी में डालकर पीजिए। दवाई नंबर 3, लिलियम टिग्रिनम पेंटार्कन 57। दोस्तों, इस दवा को सुबह में 10 बूंद, दोपहर में 10 बूंद, शाम में 10 बूंद और रात में 10 बूंद आधा कप पानी में डालकर पी लीजिए। दोस्तों, 3 से 4 महीने अगर इन दवाओं का लगातार सेवन किया जाए तो महिलाओं का यह धात संबंधी रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। परहेज जरूर करें, बहुत मसालेदार चीज़ ना खाएं, मीट मछली का त्याग करें, हरी साग सब्जी खाने पर जोर लगाएं। दोस्तों, मैं ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियो, छोटे छोटे वीडियो, 2 से 3 मिनट का वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और दोस्तों कमेंट्स तो ज़रूर करिए ताकि मुझे किस सब्जेक्ट पे आगे वीडियो बनाना है वो मैं जान सकूं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।